चलो आगे दिखा रहे हैं, यहाँ से 71 किलोमीटर है और यहाँ से 2 घंटा दिखा रहा है अभी भी। चलते हैं, कर्विंग देख रहे हो, जहर वाली कर्विंग कि आगे कुछ दिखे ही ना। और राइट साइड में खाई, लेफ्ट साइड में पहाड़। चलो देखो, काफ़ी अच्छा रोड है। ये क्या कर रहे हैं अंकल? अच्छा, हैंडल लॉक गलत लगा रखी होगी गाड़ी। नेक्स्ट टाइम आएंगे भाई फुल प्लानिंग के संग, राइडर्स भी आएंगे ज़्यादा, क्योंकि इस बार तो यार राइडर्स नहीं आए, बट नेक्स्ट टाइम फुल प्रिपरेशन के संग आएंगे। टेंट वेंट लेके आएंगे जहाँ तक पॉसिबल हुआ, क्योंकि शायद मोहित भाई के पास है टेंट, तो देखते हैं यार, नहीं होगा तो ख़रीद लेंगे, बट आएंगे तो टेंट वेंट में ही रुकेंगे नेक्स्ट टाइम, क्योंकि यार टेंट वाला अब एक्सपीरियंस तो ले लिया होटल का, बट यार टेंट में भी एक्सपीरियंस लेंगे कि कैसे रहते हैं भाई। और भारी कहीं स्टे करेंगे पहाड़ों पे ही, और वहाँ पे ही मैगी बना के खाएंगे, फुल इन्जॉय करेंगे वहाँ पे। चलो, पता नहीं क्या करवा दिया, बोले नया रास्ता लेंगे धनोल्टी से। अब भाई यहाँ धनोल्टी है सीधा, अब धनोल्टी जाएंगे तो भाई यहाँ से धनोल्टी 25 किलोमीटर, फिर हमें चम्मा जाना पड़ेगा, चम्मा से जाना पड़ेगा हमें ऋषिकेश। तो भाई अगर यहाँ से जाएंगे तो कम से कम 70-80 किलोमीटर पड़ेगा, और हमें टाइम लगेगा शाम तक हो जाएगी, मतलब अप्रोक्स मान के चलो कि हम वहाँ पहुँचेंगे 6 बजे। और पता नहीं भाई, कह रहे कुछ नया करते हैं, कुछ नया करते हैं, नया रूट लेते हैं, नया रूट लेते हैं। अब नए रूट में ऐसे हो गया, अब हमें जहाँ से आए थे 1.5 घंटा अपना वेस्ट करके, अब हमें वहीं पर जाना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ से आए थे भाई, यहाँ से अब हमें यहाँ से मसूरी तो नहीं, हमें पहले जाना पड़ेगा देहरादून, देन देहरादून से जाना पड़ेगा हमें ऋषिकेश। तो वो हाईवे से रास्ता है, तो चलते हैं यार। अब रास्ते में भी बादल आ गए भाई, देखो मतलब जहाँ से चल रहे हैं वहाँ भी बादल आ गए। अपने हज़ार ऑन कर लेते हैं, सर्विंग होती है ना जहाँ कर पे वो पड़े हो ना रोडे, जैसे कि बजरी अजरी पड़ी हो तो वहाँ कर लो स्लो, क्योंकि टायर स्लिप होता है बजरियों में, कट भी नहीं मार सकते। वो देख रहे हो भैंस क्या जंगल, ओहो कोई रील शूट कर देता अच्छी सी। पीछे है ही नहीं, हम दोनों ही बंदे हैं और दोनों ही स्कूटी चला रहे हैं, पिलियन भी नहीं लाए हम। और व्यू कितना अच्छा आ रहा है, अभी नीचे की साइड है, हमें 29 किलोमीटर चलना है। जहाँ से हम मुड़े थे वहाँ 40 था और अभी 10 हो गया है, तो मतलब 10 माइनस हो गया। ओहो, यहाँ से आए थे भाई हम, यहाँ से मतलब हम यहाँ से मुड़ गए थे ऊपर की साइड, और हमें जाना था नीचे की साइड। अब हम मेन रोड से होके जाएंगे देहरादून, फिर जाएंगे ऋषिकेश। चलो देखो, देहरादून 29 किलोमीटर दिख रखा है यहाँ से। सो गाइस, जस्ट हम 40-50 मिनट में आ चुके हैं भाई देहरादून, और देहरादून में एंटर कर रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत टाइम लगेगा अभी। देहरादून मेन जो होता है ना कि क्लॉक टावर है वहाँ, वो यहाँ से बचा हुआ है 8-10 किलोमीटर, और देहरादून सिटी में तो हम एंटर कर चुके हैं 40-50 मिनट। अगर भाई हम वाला रूट ले दें दूसरा, धनोल्टी वाला, तो गाइज़ अगर धनोल्टी वाला रूट लेते तो भाई हमें शाम लग जाती आते आते, मतलब ऋषिकेश में, और हम यहाँ से जल्दी जल्दी चले भी जाएंगे, मतलब हमें टाइम नहीं लगेगा इतना। और देखो सिटी में हमने 40-50 मिनट में गाड़ी लगा दी, तो हमें ऋषिकेश जाने में यहाँ से देखो अभी बताता हूँ कितना टाइम लगेगा। यहाँ से 1 घंटा 20 मिनट दिखा रहा है, तो आराम से चले जाएंगे, और 50 किलोमीटर है तो आराम से कवर हो जाएगा इतना। तो अच्छा हुआ यार धनोल्टी वाले वे से नहीं गए हम, वरना हमें दिक्कत हो जाती। तो गाइज ऐसा लग रहा है भाई कि दिल्ली आ चुके हैं अभी, जस्ट मतलब हम हैं देहरादून सिटी में। काफ़ी सही है, अच्छा बना रखा है, काफ़ी शॉप्स हैं यहाँ पे, सेम है दिल्ली, हर चीज़ है यहाँ पे, स्टारबक्स वगैरह, मतलब जो जो पॉपुलर है ना हर चीज़ है यहाँ पे, इंक्लूडिंग छोटी छोटी दुकान भी है। अभी यहाँ से रह रहा है भाई अपना
39 किलोमीटर रह रहा है ऋषिकेश और 1 घंटा लगेगा अप्रॉक्स जाने में। टाइम इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यार ट्रैफिक आ रहा है, ट्रैफिक ना हो तो आराम से खींच देंगे। और अब मिला है भाई खाली रोड थोड़ा भगाने लायक, काफ़ी अच्छा रोड बना रखा भाई ये तो। ये देहरादून सिटी में ही है, हाईवे ही है ये। स्प्लेंडर वाला मतलब कहीं भी चले जाओ बंदे तो मिलते ही हैं भाई। क्रॉसिंग आराम से करनी पड़ेगी यहाँ पे। देखो यहाँ से ऋषिकेश है 35 किलोमीटर और मैप में दिखा रहे 34 किलोमीटर, मतलब 1 आधे किलोमीटर का गैप है। पीछे से आ रहे हैं बंदे सारे रिवर राफ्टिंग करते हुए और इधर से वो जाएंगे, मतलब 10 किलोमीटर का ट्रैक होता है। क्या हुआ, चलो ना, रुकना नहीं है, टाइम वैसे ही नहीं है, भूख वैसे ही लग रही है। तो सारा सामान ना खाने वाला वहाँ लेके चलना, चलो थोड़ा सा पानी कम हो गया शायद। यार यहाँ पे है तो लेकिन कुछ पता नहीं कैसा हो, मैं नीर वो कल एक्सप्लोर कर रहा हूँ, नीर भी चल गए वहाँ, पता है कि अच्छा है वहाँ पे पार्किंग जाते सेफ्टी हो तो वहाँ पानी आ रहा है, इतना सामान रखा हुआ है तो वहाँ पर सेफ्टी लग जाएगी।